गर्जानियों में एक लेथ मशीन इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ जॉब इन दिस मशीन इज 1.5 meters, एंड द कंडीशन ऑफ द बेड एंड द कंडीशन ऑफ द स्पिंडल इज वेरी गुड. इस मशीन में दो अलग अलग बेडवेज है, जो ये ऊपर वाला, ये वाला जो बेडवेज है ये सिर्फ टेल स्टॉक के लिए है, और जो मेन कैरेज का जो बेडवेज है वो ये नीचे वाला है, जो हमेशा इस कवर से प्रोटेक्शन में रहता है. इसमें बेड की स्लाइड के ऊपर ये कवर लगा है प्रोटेक्शन के लिए. करंटली द स्पिंडल आरपीएम इज एट 780 rpm, and as you can hear there is no noise in it. This is an Italian make machine. The threading chart etc are clearly visible. सबसे पहले कैरेज को आगे की तरफ फीड में चला दो, ठीक है. लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवल ऑफ द कैरेज, अभी ये आगे की तरफ फीड में चल गया है. ठीक है, ये अब कैरेज की जगह क्रॉस लेट को चला दो फीड में. ठीक है, अभी क्रॉस लाइट चल गई है फीड में. ठीक है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो कर दो. ठीक है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी है. ठीक है, अब वापस फिर से कैरेज चला दो. ठीक है, हम देख सकते हैं कैरेज जो पहले आगे की तरफ जा रही थी वो भी पीछे की तरफ आ रही है. ठीक है, डिफरेंट फीड रेट्स, अभी हमने फीड रेट कैरेज का काफ़ी कम कर दिया है. अभी पीछे की तरफ फीड में चल रहा है बट बहुत स्लो चल रहा है. द रोटेशन ऑफ दिस शाफ्ट कैन बी सीन, ये भी बहुत स्लो रोटेट कर रही है. ठीक है, धीरे धीरे से तेज कर दो. ठीक है, कोई और. ठीक है, ये और तेज हो गया है. कोई और. ठीक है, फीड का रेट अभी और बढ़ा दिया. और भी कोई दिखा दो. ठीक है, ये अभी तेज हो गया है और इसकी डायरेक्शन अभी आगे की तरफ भी हो गई है. डायरेक्शन रिवर्स हो गई और तेज हो गया. वर्किंग ऑफ द लीड स्क्रू, हमने इसमें अभी फीड की शाफ्ट को बंद कर दिया है और लीड स्क्रू को चला दिया है. द रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू कैन बी सीन. ठीक है जी, अभी कैरेज को लीड स्क्रू पे चला दो. ठीक है, कैरेज जो चल रहा है अभी आगे की तरफ वो लीड स्क्रू के थ्रू चल रहा है. थ्रेडिंग करता हुआ पूरा कैरेज आगे की तरफ जा रहा है और इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो. ठीक है, अभी इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी. पूरा कैरेज अभी थ्रेडिंग करता हुआ पीछे आ रहा है. ठीक है, डिफरेंट स्पिंडल स्पीड्स, करंटली द स्पिंडल इज रोटेटिंग एट 67 rpm. ठीक है जी, रोक दो. इसमें जो स्पिंडल की स्पीड है वो 3-speed गियरबॉक्स यहाँ इसके स्पिंडल में है, एंड बची हुई जो स्पीड्स है वो यहीं पे, ये इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है. दो बेल्ट से. ठीक है, दो बेल्ट से चेंज कर सकते हैं, और बची हुई जो 4 step है 1, 2, 3, 4, ये इस स्विच के थ्रू कंट्रोल्ड है.
ठीक है, अभी इसको 180 कर दो, 180। ठीक है, करंट स्पिंडल स्पीड 180 आरपीएम, 180 आरपीएम। ठीक है जी, रोक दो। ठीक है, अभी इसको वहां से गियर बॉक्स में भी स्पीड तेज कर दो, और अभी स्पिंडल स्पीड 380 आरपीएम, 380 आरपीएम। ठीक है, रोक दो। अभी ये दिखा दो 730। ठीक है, स्पिंडल की स्पीड अभी यहीं से बढ़ गई, गियर बॉक्स से कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। करंट स्पिंडल स्पीड 730 आरपीएम। ठीक है, इस मशीन में ये ब्रेक का फीचर भी है, अगर इसको प्रेस करते हैं तो ब्रेक लग जाती है। अभी नॉर्मल बंद करो, ब्रेक मत लगाना। ठीक है, नॉर्मल बंद किया तो ये धीरे धीरे रुका है, फिर से स्टार्ट कर दो इसी स्पीड पे। ठीक है, अभी बंद करके ब्रेक लगाना। ठीक है, ब्रेक से दबाना है तो एकदम से स्पिंडल रुक जाता है, सो द ब्रेक इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन। ठीक है जी, अभी कोई और तेज दिखा दो, हाँ उसकी अभी गियर बॉक्स से और तेज कर दो स्पीड। अभी 1000 दिखा दो, 1000 आरपीएम। करंट स्पिंडल स्पीड 1000 आरपीएम। एज यू कैन हियर, इवन एट सच अ हाई स्पीड देयर इज नो नॉइस एट ऑल इन द मशीन। ठीक है जी, रोक दो। अभी जो भी मैक्सिमम है वो दिखा दो, 2000 आरपीएम। द मशीन इज इन एक्सीलेंट कंडीशन। मैनुअल ट्रैवल्स, पहले आगे ले आओ कैरेज को। ठीक है, पीछे ले जाओ। ठीक है जी, क्रॉस फेड चला दो दूसरी तरफ। ठीक है, गर्जानियों मेक लेथ मशीन्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लेथ मशीन्स। द कंडीशन ऑफ दिस मशीन इज वेरी गुड एंड ऑल द फीचर्स आर वर्किंग परफेक्टली फाइन।